तुझे लाइसेंस किसने दिया स्टूपिड? उसने भाई की चुम्मी ली। दोनों की शादी होने वाली है, चुम्मी ली तो क्या हुआ? ये चुम्मी बाई वाली ने नहीं दाई वाली ने ली। तुम्हें कैसे पता चला? शीशे में देखा। शीशे में दाया बाया और बाया दाया होता है, वाकई स्टूपिड है। चल आगे बढ़। अरे भैया मैं तो घबरा गया था। अच्छा हुआ बाएं से चुम्मी आई, अगर दाएं से चुम्मी आती तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। उसका बाप तो टार्जन का भी बाप है। ये दाया माया भूल जा, तूने उस शीशे में किसे देखा था? वही तो मुझसे गलती, मैंने इंदु को देखा था। वो सच में इंदु ही थी। तू सिर्फ नाम का ही नहीं काम का भी कृष्णा है। भूमि और इंदु डर नहीं लगता? मैं फिक्र क्यों करूं, तू है ना संभालने के लिए। तुमने तो मुझे बलि का बकरा बना रखा है। गधा नहीं मिला ना इसलिए। लेफ्ट साइड वाली निकालो। बहू के लिए कितनी चाहिए? दो ही लेनी है। ओके बीवी। क्या है बीवी? बोलिए जी। तुम 20 ले लो। जैसा आप कहें स्वामी। क्या देख रहे हो, क्या हुआ बता? दूल्हे के लिए कितना ले? कृष्णा से मैं उसका बाप हूँ, मुझसे पूछो। ये नहीं मैं बताऊंगा। उसके लिए 3 ले लो। तो आपके लिए 30। तुम ऐसा करोगे तो मैं भिखारी हो जाऊंगा। यार दूल्हा मैं नहीं वो है। तुमने एक गलती पर मेरी बैंड बजाई थी, इस कमीने का क्या होगा? ये कितने की है मौसी? मौसी अरे चिल्ला क्यों रही हो? मौसी ये साड़ी कैसी लग रही है? इस साड़ी की जरी अच्छी है ना? साड़ी तो अच्छी है, पहनने वाली खराब लग रही है। तुम्हें कैसे पता कृष? तुम्हारी बातों से लगता है कि पुरानी पहचान है। भैया ऐसे ही है, बिल्कुल कृष्ण का नहीं है। ये तो भैया की आदत है, चोर चुईट। किसी को कुछ बोलना हो बगैर सोचे मुंह पर बोल देते हैं। ये कपड़े को खराब बोलने के बजाय तुम्हें बोल बैठे है ना भैया? तुम साड़ी के बारे में पूछ रही थी, ये साड़ी बहुत ही बुरी है इंदु, तुम इसमें बिल्कुल ही डायन लगोगी। मैंने कुछ गलत बोला क्या? मैं तुम्हारी टेंशन समझ सकता हूँ दोस्त। कूल डाउन, कूल डाउन। ये पैकेट किनारे कर दो। इसकी तो क्या हुआ डैडी? यस डैडी, चल जाके इसे ट्राई कर। लड़के के लिए अभी आप ही लेंगे? पड़ोसी का नहीं, मेरा बेटा है। सिलेक्शन मैंने किया है और पहनेगा ये। डायपर के टाइम से यही चल रहा है। तो यार चलो डैडी। तेरे तो तुम यहाँ क्यों घुस रही हो? तुम्हारी तो क्या कह रहे थे, पहनने वाली खराब लगेगी। क्या रे एसी में पसीने छूट रहे, पेट में गड़बड़ है? सॉरी डैडी, मैं ट्राई करके आता हूँ, बस एक मिनट दीजिए। अब पता चला मेरे चेहरे पे इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? मेरे पसीने कहीं और से छूट रहे हैं। तुमने अभी तक तो कुछ नहीं देखा, अंडरवेयर टाइट कर लो, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। टेंशन हो गया। ओके अभी तक गाड़ियाँ चालू क्यों नहीं हुई यार? अरे गाड़ियों को छोड़, उसने हमें देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। एक बार बच गया तो क्या हुआ, बार बार नहीं बचेगा। इस बार तो उसे सबक सिखा के रहेंगे। भैया क्या वो निकल गए? भाभी पहली गाड़ी में है, वो जैसे ही निकलते हैं मैं आपको फोन कर दूंगा। अरे 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 अरे। ऐसा लगता भूत देखकर भाग रहा है। भैया हमारे लिए कफन का इंतजाम करके रखिएगा, और आपका भी टाइम आने वाला है। अरे यहाँ पर आ। मेरे पीछे आपने साइलेंट मूवी चला दी और मुझे पता भी नहीं चला, कैसे?
एक डाउट है मुझे, कुछ तो गलती हुई है गिनती में, एक अभी भी बच गया है। तुम लोगों को कहीं मिला वो बदमाश लड़का? घर मिल गया पर उसकी कोई खबर नहीं मिली। भैया अब हम क्या करें? अच्छा तो एक काम कर, उसके अम्मा और बाबूजी को उठा ला, लड़का खुद ब खुद यहाँ आ जाएगा। भैया उसका बाप लगता है बहुत बड़ा तोप है। अरे वो मुझसे भी बड़ा तोप है क्या बे? भैया आप उसके सामने फिसलती बम है। तू मेरा आदमी है कि उसका? छोड़ो मुझे, क्या हो रहा है? भैया उठा लाया पहलवान को। अबे ओ उजड़े चमन, क्या ये हमारे रिश्तेदार हैं? माफी मांग इनसे। सॉरी समधी जी। समधी जी बैठिए ना। मैं समधी? और मुझे पता भी नहीं चला। बेटा इंदु आपने बुलाया? अंकल आप यहाँ कैसे? बेटा मुझे खुद भी नहीं पता। तुम्हें इन्हीं के लड़के ने धोखा दिया और फरार हो गया ना? What? फरार नहीं हुआ है मेरा बेटा, वो तो वर्ल्ड टूर पर गया हुआ है। हाँ, वर्ल्ड टूर। हाँ। उस उल्लू के पट्टे ने आपको ये पट्टी पढ़ाई है, वो अमेरिका में हो या झुमरी तलैया में, जब तक वो लौटता नहीं आपको यही रहना है। यही रहना है? This is not fair, man. Fair भी, fair and lovely भी। बॉडी तो है पर हिम्मत नहीं। अरे तुम क्या उसे बहादुर बनाओगे? साला कुतुब मीनार की औलाद। बहादुरी देखनी है आपको तो इनके लड़के को देखना चाहिए। शेर है, शेर है वो लड़का, उसे जरा यहाँ तो बुलाइए। जरा जल्दी जरा। यस डैडी। तुम्हारे भूले बिसरे चाचा आए हैं, उनको नमस्कार करो। ठीक है डैडी, नमस्कार। अरे कृष्णा स्टैचू क्यों बन गया? क्या मैंने तुझे यही सिखाया है? वो झोपड़पट्टी में रहते तो क्या हुआ, तेरे बाप से बड़े हैं। नमस्कार कर। नमस्ते अंकल। ये क्या डैड, आपको यही जगह मिली थी, एक फोन तो किया होता। अच्छा यार वर्ल्ड टूर पर गए थे ना तुम? साउथ अफ्रीका में तुम नाइग्रा फॉल देखने में बिजी थे, मैं तुम्हें डिस्टर्ब कैसे करता? वो... और हाँ तुमने तो नए मम्मी डैडी भी सेट कर लिए हैं। वाह सॉरी डैड, मैंने झूठ बोला, आई एम सॉरी। पर आपने भी तो अपनी जवानी में यही करने का सोचा होगा, आप नहीं कर पाए तो मैंने कर दिया। ए पागल है क्या, मैंने कभी अपने मॉम डैड से झूठ बोलने का नहीं सोचा। तुम यहाँ पर पहुँचे कैसे? चलो फ्लैशबैक। तो मॉम यही थी कहानी। अंकल भूमि। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप लोग भी मेरी वजह से इस मुसीबत में फंस जाएंगे। I'm so sorry. तुम गलत नहीं हो, मैं जानती हूँ, वरना मेरा बेटा यहाँ पर नहीं आता, क्योंकि वो कभी भी गलत लोगों की मदद नहीं करता। मेरी मॉम पूरी मुझ पर गई है, जरा इन्हें भी समझाओ ना, मुंह लटकाए बैठे हैं। क्या बात है, गंगू तेली राजा भोज बन गया। मॉम ये क्या हाल बनाया नौकरों जैसा? तो क्या अरे बेटा उन्होंने जब उठाया तो सामान बांधने का भी टाइम नहीं दिया। मुझे तो लगा था कि मेरा बेटा मुझे सात समुंदर पार की सैर कराने ले जाएगा, पर तुमने तो हमें इन जानवरों के बीच लाकर खड़ा कर दिया। हेलो हेलो। फोन तो बजा ही नहीं। क्या बे, मुझे लगता है मैंने तुझे कहीं देखा हुआ है। हाँ, पिछले साल तू कुश्ती लड़ने आया था ना? मैं एक आम इंसान हूँ। यह सब पागल है। मुझे तो लगा पहलवान है। आ,
बहुत मजा आया सच में। बोलिए ना। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये पूरा परिवार साथ होगा। अरे अगर ये होनहार लड़का पहले यहाँ आ गया होता तो हम कभी अलग ही ना होते। अरे आप तो बहुत बड़ी तोप निकले। भैया आप सबसे बड़े तोप हो। अबे ओ जब मैं तोप होकर कह रहा हूँ कि वो बड़ी तोप है तो फिर तुझ में बम क्यों फूट रहे हैं? दिवाली है क्या? गलती हो गई भैया। बेटी ये लोग इसके बारे में कितनी तारीफ कर रहे हैं। तुम अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ नहीं बताओगी? बताओ इंदु। मेरे बॉयफ्रेंड को इससे क्या कंपेयर करते हो मौसी? मेरा वाला तो किलर है। वो किलर और तुम शिकार, खूब जमेगा हम जब मिल बैठेंगे यार। अरे मेरे बॉयफ्रेंड ने कॉलेज में पता नहीं कितने लवर्स को मिलवाया है। वो असली मर्द है, पता है वो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। पता नहीं वो कब यहाँ पर आएगा और मुझसे शादी करके मुझे लेकर जाएगा। भूमि, उसका लवर यहाँ नहीं है फिर भी वो तारीफ कर रही है। तुम्हारा कृष्ण तो सामने बैठा है, तुम भी कुछ बोलो ना। हाँ बता दे, कृष्ण भी तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार था ना। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार था? रहने दे इंदु, अपने बॉयफ्रेंड की मेरे बॉयफ्रेंड से बराबरी मत कर। तेरा वाला सिर्फ लवर्स को मिलवाता है, पर मेरे वाले ने दो परिवार मिला दिए, दो गांवों को मिला दिया। मेरा वाला मेरी खुशी के लिए कोई भी हद पार कर सकता है। दूसरों के बॉयफ्रेंड्स तो कुछ पल की खुशी देते हैं, या हो सकता है कुछ दिनों की खुशी, लेकिन कृष्ण ने मेरी जिंदगी ही बदल दी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस जन्म में मुझे इतनी ज्यादा खुशी कभी मिल भी सकती है। थैंक्स क्रिश। अंकल वो उसके बारे में इतना कुछ कह गई, आप अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं कहेंगे क्या? उसकी तारीफ मैं क्या करूं, वो तो सुपरमैन है। तेरा बेटा अगर सुपरमैन है तो मेरा बेटा शक्तिमैन है। अगर अपने भगोड़े लड़के के लिए तुम इतनी तारीफ करोगे तो मैं अपने हैंडसम बेटे की तारीफ क्यों ना करूं? बोलती क्यों बंद हो गई? सांप सुन गया क्या? डैडी चुप हो जाइए। डैडी चुप कर। बच्चे पैदा करना मुश्किल नहीं है, आधे घंटे की मेहनत है। सन्नी सन्नी जैसा बच्चा चाहिए जो गड्डी लेकर निकलता है और लोगों के हैंड पंप उखाड़ लाता है, स्टार जैसा गदर फैलाता है। आई लव माय चाइल्ड। करोड़ों रुपए बेकार है जब बच्चा गधा निकले। डैडी बड़ों के बीच में नहीं बोलते, दुश्मन की बचाने के लिए कैपेसिटी कैपेसिटी होनी चाहिए जो मेरे बेटे में है। डैडी क्या कर रहे हैं आप? पर व्हाट अबाउट यू, तुम्हारा बेटा तो किसी काम का नहीं, एकदम खोचू। अंकल आप नहीं जानते आपके फ्यूचर में क्या होगा। अंकल मेरे फ्यूचर की तुम चिंता मत करो, वो तो इसके हाथ में है। ये सो स्ट्रांग। डैडी सोने चले है? मुझे नींद आ रही है। बम फूटेगा। ठीक है। अरे समधी जी आप तो बहुत खुशकिस्मत है, आपका बेटा तो अभी भी आपके साथ ही सोता है। दैट इज माय सन सन्नी का बाप। चलो डैड चलो। जानी एक्टिंग देखी मेरी, हमने कैसे उसके पैरों तले जमीन खिसका दी है। अभी मैं वहां था यहाँ आ गया, क्या जमीन खिसक गई? उनके पीछे क्यों पड़ा है तू? साले जूनियर आर्टिस्ट, उनकी कमर तक तो पहुंच नहीं पाता, उसका एक लाफा पड़ेगा ना तो जिंदगी भर के लिए पॉटी बंद हो जाएगी। मैंने इतनी बढ़िया एक्टिंग की यार, बड़ा पर्दा होता तो लोग चिल्लर फेंकते। अकल नहीं है तुझ में, तूने मुझे गाली दी। ऐसे कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? मैंने तो उसके बेटे को गालियां दी। वो बेटा मैं ही हूँ। बेचारा गया काम से। वहाँ क्या कह रहा था? हाँ मुझे याद है, तूने मुझे भगोड़ा कहा था ना पकोड़े की औलाद। तूने कुछ कैपेसिटी की बात की थी। इतने डिटेल में क्यों जा रहे हो, हर लाइन में लाफा मारोगे क्या? बाबू इसने तुम्हारे बाप को गधा और तुम्हें उल्लू कहा था। ए तू सॉरी सोना। अरे यार मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। हर लाइन पर एक लाफा खाने को तैयार हो जा। क्यों सर, खातिरदारी में कमी तो नहीं रही? आप तो सब कुछ जानते थे ना सर,
आपको बताना चाहिए था, वो आपका बेटा है। भाई साहब आप बड़े परेशान लग रहे हैं। परेशान? रात को जो उसने बजाना शुरू किया, एक मिनट के लिए भी म्यूजिक नहीं रुकी, दोनों तबले का तक धिना धिन हो गया। अरे संधि जी, रात को तो आपने अपने बेटे को मस्त लोरी सुनाई। और क्या, बचपन से वही किया। रात को तो आप काफी जोश में बात कर रहे थे। प्लीज उसकी याद मत दिलाइए। अरे क्या क्या डायलॉग मार रहे थे आप, दोबारा सुनाइए तो। छोड़ो ना यार, रात गई बात गई। ठीक है, नाश्ते पर मिलते हैं। मुझे एक डाउट है, क्या होगा अगर मेरी ओवर एक्टिंग पकड़ी गई तो? अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, पर सोचो आपका क्या होगा।